कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हरे कृष्ण, मैं हूँ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, लग गुरु में आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आज हम आपको बताएंगे कि जो बुधवार जो बुध ग्रह होता है इसकी कुंडली में क्या भूमिका होती है, बुध किन राशियों का स्वामी होता है, किन किन घरों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बुध से प्रभावित व्यक्ति, वकील, राजनेता, अधिवक्ता, जज, मैनेजमेंट करने वाला सीए, इस तरीके से देखा जाए तो व्यक्ति का अकाउंटेंसी में बहुत बड़ा होल्ड होता है। तो बुध से प्रभावित व्यक्ति की कुंडली बहुत ही अच्छी होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि 12 घरों में बुध का क्या महत्व है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो बुध ग्रह है यह 3 नंबर और 6 नंबर, 3 नंबर होता है मिथुन राशि और 6 नंबर होता है कन्या राशि। तो मिथुन राशि पर यह अपने घर का कहलाता है और कन्या राशि पर उच्च का कहलाता है। वहीं मीन राशि पर यह नीच का माना जाता है। कहते हैं कि अगर 1, 4, 7, 10 में बुध चंद्रमा से या लग्न से केंद्र में हो और नीच का हो तो नीचभंग राजयोग बनता है। तो नीचभंग राजयोग में जातक को देखा गया है कि वह मीडिया में बहुत बड़े पद पर जाता है, चाहे उसका कैरियर जो भी हो, अच्छे गणितज्ञ भी होते हैं, लेकिन उनको देखा गया कि मीडिया में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, मीडिया हाउस खोलते हैं और मीडिया से काफ़ी जीवन में यश प्रतिष्ठा धन अर्जित करते हैं, साथ ही साथ राजनीति में भी आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रथम राशि घर में अगर बुध हो तो क्या होता है। तो यदि मेष राशि में प्रथम घर में बुध हो तो व्यक्ति बहुत ही सुंदर, सुशील, विनम्र, महत्वाकांक्षी और अपने महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला होता है, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाला होता है और व्यक्ति बहुत ही समझदार होता है, सहनशील होता है, विनम्रता उसके अंदर होती है और व्यक्ति परम दूरदर्शी होता है, विजनरी होता है, जो भी उसके अंदर विजन होती है, अपनी आइडिया होती है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। और ऐसे जातक बड़े ही शालीनता के साथ रहने वाले कूटनीतिज्ञ होते हैं, नैतिज्ञ होते हैं और अपनी जो भी उनकी इच्छा है, सोच है, उसको डिटर्मिनेशन के साथ करने वाले होते हैं। उनका जो एनालिसिस पावर होता है बड़े ही एनालिटिकल होता है, माइक्रो लेवल पर वो एनालिसिस करते हैं। लग्न में होने से थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छा सोचता है, लेकिन अगर वह नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो व्यक्ति डर जाता है, ज्ञात भय से भयभीत हो जाता है। तो थोड़ा सा अपनी सोच पर परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। यदि वहीं बुध द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति लालित्य कला का स्वामी होता है, बहुत अच्छा लेखक होता है, धन धान से परिपूर्ण होता है, सुंदर आँखों वाला होता है और व्यक्ति बहुत ही सुशील, विनम्र और अपने वाणी द्वारा सबको मोहित कर लेने वाला होता है। उसकी वाणी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है। व्यक्ति कहीं भी रहता है अपने वाणी के द्वारा वह सर्व विजेता होता है, हर जगह लोग उसकी लोकप्रियता, ख्याति उसको मिलती है। इसी तरीके से जब तृतीय भाव में बुध हो तो तृतीय भाव का स्वामी पराक्रम भाव होता है, ये भाई बहन का भाव होता है। तो तृतीय भाव में बुध के होने से व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाने में उसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है और अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर परिवार को एक नई दिशा देता है। अपने भाई बहन जो भी उनसे संबंधित अनुज या अग्रज होते हैं सबकी मदद करने वाला होता है, सबको आगे बढ़ाने होता है और एक परिवार को नई दिशा देने वाला होता है। इसमें दोष क्या होता है कि व्यक्ति आलसी होता है, कोई चीज़ करना नहीं चाहता, हर चीज़ वो कल पर टालता है। वहीं चतुर्थ भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति अपने माता का भक्त, जमीन जायदाद खरीदने वाला, भूमि भवन बनाने वाला, अच्छे चतुष्पद वाहनों से युक्त और व्यक्ति लग्जरी जीवन जीने वाला होता है। किंतु देखा गया है कि ऐसे जातकों को माता पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहता है। वहीं यदि पंचम भाव में बुध हो तो व्यक्ति बहुत ही पढ़ने लिखने वाला, ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल वर्क करने वाला, बौद्धिक क्षमता के बल पर आगे बढ़ने वाला, मैनेजमेंट में सिद्धस्थ, वकालत करने वाला, LLM वकालत में LLM तक की डिग्री लेने वाला, PhD करने वाला और व्यक्ति का इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होता है और बुध के नाते व्यक्ति ट्रिलेनियर होता है, मिलेनियर काफ़ी बड़ा धन होता है और उसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। और पंचम भाव में बुध हो तो व्यक्ति को देखा कि गणित जरूर पढ़ता है, गणितज्ञ होता है, मैथमेटिशियन होता है और गणित में अच्छा खोज करता है, वहीं फिजिक्स में भी उसकी ज़बरदस्त रुचि होती है और फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा काम करने वाला होता है। सीए से करके अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी से लोग अच्छा पैसा कमाते देखेंगे। उनकी संतानें बड़ी अच्छी होती हैं और उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव होती है, बड़ी मज़ेदार बात होती है।
वहीं कन्या राशि का अगर बुध है, कन्या छठे में, कन्या राशि पर है छठे भाव में, तो व्यक्ति आलसी होता है, अज्ञात भय से भयभीत रहता है और अकारण चिंतित रहता है, परेशान रहता है और अपने सोच के नाते अपनी अच्छी बनी बनाई काम को बिगाड़ लेता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनी सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव सोचें और आलस्य से दूर भगावें। और ये देखना कि नसों की प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा आपको अपने बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं यदि सप्तम भाव में बुध है तो व्यक्ति को देखा गया सप्तम भाव पति या पत्नी का भाव होता है। तो सप्तम भाव में अगर बुध हो तो व्यक्ति बहुत ही परम बुद्धिमान, तेजस्वी, ओजस्वी, वक्ता और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से कार्य करने वाला और एक सफल व्यक्ति के रूप में देखा गया है। वहीं अष्टम भाव में अगर बुध हो तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति बहुत अच्छा दूरदर्शी, ज्ञानी, नीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, ग्रंथकार, ग्रंथ तक लिखने वाला, तो और व्यक्ति बहुत ही धनी होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने वाला होता है, आयात निर्यात से धन अर्जित करता है। देखा गया कैसे लोग काफ़ी ख्याति अर्जित करने वाले होते हैं और विलक्षण भाषण देने वाले होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह का क्या महत्व है और बुध का 12 राशियों पर 12 घरों में इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे कैसे जातक होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, विस्तृत बताया। और अब हम बात करेंगे आज के पंचांग की। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 19 दिसंबर 2018, दिन है बुधवार, तिथि एकादशी, नक्षत्र है भरणी, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मेष राशि में। आज खरीदारी के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। यदि आप वास्तव में को खरीदारी करना है तो दही गुड़ जा करके खा के अपना कर सकते हैं। राहु काल है 12:18 से लेके 1:35 तक है। उत्तर दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। अब हम बात करते हैं आज के दिन जन्मे जातकों के बारे में। आज है 19 दिसंबर, तो 19 दिसंबर के जो जन्मे जातक हैं उनके जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, ढेर शुभकामनाएं। आप खूब आगे बढ़ें, प्रगति करें। प्रभु से प्रार्थना है कि आप जीवन में जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले। अब हम बात करेंगे कि आज के दिन जो जन्मे जातक हैं उनका यह साल कैसा रहेगा, उनके लिए क्या लाभ होगा, कैसी प्रगति होगी, क्या होगा, उसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूँ। तो जो 19 तारीख के जन्मे जातक हैं उनके लिए वर्ष देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक तो आपको ख्याति मिलेगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास आपका सार्थक होगा, धन धान के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, माली हालत बहुत ही अच्छी होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी। वहीं मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 महीने मध्यकाल है ये आपके लिए काफ़ी प्रगति के लिए है, उपलब्धियों का माना जाएगा। और जो भी एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रयासरत कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, संबंधों में सुधार आएगा और घर परिवार की स्थिति पर हर फ्रंट पर अपने को एक सफलतम व्यक्ति मानेंगे। वहीं देखा जाए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अंतिम जो 4 महीने हैं वो आपका बहुत ही बेहतरीन है। माली हालत बहुत अच्छी होगी, पदोन्नत होने की संभावनाएं बन रही हैं, परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, किसी नए मेहमान के आगमन से आपका मन खुश रहेगा। तो आपने जाना कि आज के दिन जन्मे जातकों का कैसा होगा भविष्य, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि किस राशि को धन मिलेगा, किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, किसकी पदोन्नत होगी, कौन क्या करेगा, इन 12 राशियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रथम राशि से। प्रथम राशि है मेष राशि। तो मेष राशि वाले जो जातक हैं आज आपका समय और भाग्य दोनों आपके अनुकूल है। प्रगति के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे और इच्छा शक्ति से आज आपको धन की प्राप्ति होगी और बहुत सारे कार्य जो रुका हुआ महत्वपूर्ण कार्य उसको होने का योग बन रहा है। उच्च पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है और अनेक स्रोत से धन अर्जित कर सकते हैं, इसका प्रबल योग बन रहा है। भूमि खरीदने का भी योग बन रहा है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं आज आपके लग्न में चंद्रमा है, तो चंद्रमा लग्न में होने के नाते आप बहुत ही सरल व्यक्ति होंगे, सहृदयी होंगे और जो भी आपकी महत्वाकांक्षा होगी उसको कार्य रूप में परिणत कर लेंगे। आज आपके धर्मपत्नी का बहुत ही सहयोग होगा, आपके परिवार को और आपके जो रिलेटिव हैं उनको आगे बढ़ाने में सहयोग करने में उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रहेगी और बच्चों का जो दायित्व है उसको पूर्ण करने में सफल रहेंगे।
तो यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको चतुर्दिक लाभ होगा। इस तरीके से देखा जाए तो आपका समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी के अपने समय का सदुपयोग करना सीखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, बेसन के लड्डू का प्रसाद हनुमान जी को अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग हल्का पिंक है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि वृष राशि की। जो वृष राशि के लोग हैं, आज आपको बहुत सारे अच्छे अवसर मिलेंगे, पदोन्नति हो सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। लक्ष्य के प्रति टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल योग बन रहा है। योजनाएं सोच समझ करके बनाना आपके लिए हितकर रहेगा। और आज आप बृहद घर बनवा सकते हो, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। वाहन सुख मिल सकता है, इसका प्रबल योग बन रहा है। भाग्य से आपके व्यापार में वृद्धि होगी, साझेदारी में व्यापार करने के अवसर मिलेंगे और उस व्यापार करने से आज आपको लाभ मिल सकता है, इस तरह की संभावनाएँ दिख रही हैं। तो जो मेष राशि के लोग हैं, जो वृष राशि के लोग हैं, आपका चंद्रमा आज 12वें है, एक तो आपकी आयात निर्यात हो सकती है, अनचाही यात्रा हो सकती है, मन अकारण तनाव में हो सकता है। जब भी कोई काम करेंगे तो लगेगा कि आपकी कोई निंदा कर रहा, आलोचना कर रहा, तो आप किसी की निंदा आलोचना की बिना परवाह किए अपने लक्ष्य के प्रति लगे, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। छोटी छोटी बात को लेकर एकदम कतई इरिटेट ना हो, और आप सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने टास्क ओरिएंटेड होकर कार्य करें, आपको सफलता मिलेगी। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी तो दूसरों की बातों में एकदम ना आए, कौन आपके लिए क्या कह रहा है उसकी बेपरवाह की, अपना काम करना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, चांदी का चंद्रमा दान करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध पिला दें, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफ़ेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आज आपको शेयर और ट्रेडिंग से बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है, फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा कार्य कर सकते हैं। और जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसमें बृहद विस्तार होने की प्रबल संभावना बन रही है। अर्थ के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक लाभ होने की संभावनाएँ बन रही हैं। पदोन्नति भी होने का योग बन रहा है और स्थानांतरण का भी योग बन रहा है, और प्रगति के ढेर सारे सुंदर अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही हैं। सलाह से धन अर्जित करेंगे और जीवन साथी के सहयोग से कई महत्वपूर्ण कार्य होने का भी योग बन रहा है और प्रगति के ढेर सारे अवसर मिलेंगे, योग बन रहा है, तो आज आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। संतान सुख मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, फाइनेंस के क्षेत्र में कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो उसमें आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ख्याति मिलेगी और मीडिया के क्षेत्र में अगर आज काम करते हैं तो आज आपको पदोन्नत हो सकती है, आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है। खासतौर से जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने माता पिता का सलाह लेकर ही कार्य की शुरुआत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है, हरा वस्त्र दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले लोग हैं, आज आपको नौकरी अच्छी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आज आपको थोड़ा अपने मन पर नियंत्रण रखना है और जो भी कार्य करें कॉन्सेंट्रेट होकर कार्य करें, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दें, टास्क ओरिएंटेड होकर अगर कार्य करते हैं तो आज आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलने की संभावनाएँ दिख रही हैं। तो एकाग्र होकर अपने कार्य पर ध्यान देना आपके लिए हितकर रहेगा। विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आज आपको सारी विघ्न बाधाएं दूर होकर के बड़े पैमाने पर सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। पत्नी की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपके मन में चिंता की स्थिति हो सकती है। रोग एवं शत्रु परास्त होंगे। चतुर्दिक प्रगति का प्रबल का योग बन रहा है। जो भी आपके चारों तरफ से प्रगति का योग बन रहा है, जैसे जमीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं, तो जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं सबकी होने की संभावना दिख रही है। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं, आज आपका जो चंद्रमा है मेष राशि का दशम भाव में बैठा हुआ है, तो आज आपको एक तो सरकार से लाभ, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है और नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया व्यापार कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको थोड़ा सा चिंतन मंथन करने का समय है, सोचने का समय है। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सफ़ेद वस्त्र आप दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आसमानी है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आज आप जो भी एफर्ट करेंगे उस सारे प्रयासरत कार्यों में आपको बड़े पैमाने पर सफलता मिलने की संभावनाएं
दिख रही हैं, ख्याति मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, नए कार्य कर सकते हैं, उसकी शुरुआत हो सकती है नए कार्य की, उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। संतान से मन आपका प्रसन्न रहेगा। न्यायालय से थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो न्यायालय में वाद विवाद करने से परहेज करें, दिक्कत आ सकती है, आय से ज़्यादा व्यय करने से बचें। और जो सिंह राशि वाले जातक हैं, आपका चंद्रमा भाग्य स्थान में, तो भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे, संघर्ष कम होगा और नई नौकरी मिल सकती है, नए तरह के लाभ मिल सकते हैं, ढेर सारी संभावनाओं, ढेर सारे आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखेंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको कैसे अवेल करते हैं आप पर डिपेंड करता है। और जो भी आपका परिवार में, समाज में जो भी आपका दायित्व है उसको निर्वाह करने में सफल रहेंगे। माता जी के हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रखने की जरूरत है, आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपनी सोच सकारात्मक रखना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, सूर्यदेव को जल एवं लाल पुष्प अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक एक है, शुभ रंग केसरिया है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको नए कार्य करने के ढेर सारे अवसर मिलेंगे, अच्छे प्रगति की संभावना बन रही है, सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है, राजनीति से, व्यापार से, शेयर से, लॉटरी से आज आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। माली हालत आपकी बहुत ही अच्छी होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, संतान सुख मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, संततियों की प्रगति से मन आपका प्रसन्न रहेगा, नया कार्य कर सकते हैं इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। तो खास तौर से जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेष का चंद्रमा है अष्टम भाव में, तो आज आपकी अनचाही यात्रा हो सकती है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, मन थोड़ा सा आपका बेवजह चिंतित हो सकता है, व्याकुल हो सकता है, तो इससे थोड़ा आज आपको बचना है और अपने अपने को पॉजिटिव रखना है, जितना पॉजिटिव रखेंगे उतने आपके लिए अच्छा है। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि खास तौर से जो आपके अपने हैं, वेलविशर हैं, शुभेच्छु हैं, उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद करने से परहेज करें। उपाय क्या करना है, प्रसाद में पंचमेवा का खीर अर्पित करना भगवान श्री गणेश जी के लिए उचित रहेगा, आप करें तो आपके लाभ मिलेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग नीला है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं तुला राशि की, तो जो तुला राशि वाले लोग हैं, आज आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनका समाधान होने का प्रबल योग बन रहा है और उनके समाधान होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चारों तरफ से लाभ के अवसर मिल रहे हैं, लाभ होते हुए दिख रहा है, नए वाहन खरीद सकते हैं, इसका प्रबल योग बन रहा है। आज आपका स्थानांतरण के साथ साथ पदोन्नत होने की संभावनाएं बन रही हैं, अचानक यात्रा होने का योग भी बन रहा है, धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं, ख्याति मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ देना आपके लिए अच्छा रहेगा, नीला वस्त्र जरूरतमंद को गिफ्ट करें अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग नीला है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, तो जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, आज आपकी योजनाएं सफल होंगी, आज आपको मान सम्मान मिलेगा और जितने भी कार्य बहुत दिन से जो प्रतीक्षा में नहीं हो रहा है, तो चिर प्रतीक्षित कार्य संपन्न होने की संभावनाएं बन रही हैं, सारे कार्य आज आपके पक्ष में होगा, नया जॉब मिलने की भी संभावना बन रही है, धन लाभ होने का स्थिति अच्छा है और पदोन्नत के साथ साथ स्थानांतरण हो सकता है। भाग्य से आज आपके सारे कार्य संपन्न होंगे जिस तरीके से आप सोचते हैं, और कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है, प्रगति की भी संभावनाएं दिख रही हैं। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, जो आपके अंदर अपनी क्षमता है उसको पहचानने की जरूरत है और बाप दादा से बचे मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, आज आप साधु कोई मिल जाए तो उसको कंबल गिफ्ट करें आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग सुर्ख लाल है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं धनु राशि की, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं, आज आपके जितने भी विरोधी हैं, आपको परेशान करने वाले हैं, सब ध्वस्त होंगे, आपके उनके सारे विरोध करने वाले आज औंधे मुंह गिरेंगे। आत्मबल से आज आपको लाभ मिलेगा, विवादों से बचने की जरूरत है, कंट्रोवर्सी में एकदम न पड़े, दूर रहें, आर्थिक पक्ष में वृद्धि होगी, पुस्तक लेखन से आज आपको धन मिलेगा, लेखकी कार्यों से लाभ मिलेगा, अकारण मन तनाव में हो सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका चंद्रमा मेष का पंचम हाउस में बैठा हुआ है, तो संतानें बहुत अच्छा करेंगी,
उनकी प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संतान की टेरिटरी में बेवजह दखलअंदाजी न करें, उनको जितना हो सकता है बेहतर मेंटल मॉरल इमोशनल जितना सपोर्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चा अच्छा कर सकता है तो उसको दूर से देखने की ज़रूरत है, निगाह रखें लेकिन इंटरफेयर न करें। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, समय के हिसाब से चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, असहाय को वस्त्र एवं भोजन खाना अगर दे तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पिंक है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। तो गुरु के नुस्खे में हम आपको प्रतिदिन छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो आपके लिए लाभप्रद होता है। तो आज हम आपको एक सिम्टम बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि आज दिन बुधवार है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी नसों में प्रॉब्लम है, आपको ईचिंग हो रही है, मौसम चेंज होते ही सर्दी जुकाम हो रहा है और स्वास्थ्य में लगता है कि काफ़ी बदलाव आ रहा है, आपके सोचने की प्रवृत्ति बदल रही है, आप छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं, लगता है कि परेशान है और नस पॉइंट पर या जॉइंट पेन पर लगता है कि पेन हो रहा है और आपका मन काफ़ी उद्विग्न हो जा रहा है, आप अपने को चिंतित महसूस करते हैं, तो इसमें आप घबराएं नहीं। क्या करें कि आप बुधवार के दिन, ये जो सिम्टम होता है बुध ग्रह के वजह से होता है, तो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध की पोजीशन अच्छी नहीं है, जिसके नाते इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो आप क्या करें कि बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। तो गणेश जी की आराधना कैसे करेंगे, एक तो आप क्या करें कि 5 प्रकार का मेवा लें और अपने हाथ से खीर बनावें और खीर बना के पंचमेवा खीर अर्पित करें भगवान श्री गणेश जी को, और एक मंत्र लिख लीजिए, ओम गंग गणपतये नमः या ओम गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र से इनका एक माला हवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी जितनी भी परेशानियां दूर होंगी, विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपको सफलता मिलेगी, हेल्थ और वेल्थ दोनों आपका सर्वोत्तम होने लगेगा, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। तो जो मकर राशि वाले लोग हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आप छोटी छोटी बात में एग्रेसिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और लगता है कि आपको कितनी गुस्सा आ रही है, तो इससे बचना है और बहुत ज़्यादा उतावलेपन में आके कार्य न करें और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और उसके दिशा निर्देशन में अगर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए पदोन्नति का बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप जहाँ भी कार्य करते हो उसमें पदोन्नत होगा, लाभ मिलेगा और आज आपको लेखन कार्य से भी धन मिलने की संभावना बने और अभिरुचि बढ़ेगा, लेखन कार्य में आपकी अभिरुचि भी बढ़ सकती है, साहित्य से लाभ मिलेगा, धन दान की स्थिति अच्छी होगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा, विरोध की स्थिति समाप्त होगी और आज आपको अत्यधिक खर्च से मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, चिंतित हो तो खर्च पर थोड़ा नियंत्रण करने की जरूरत है। तो जो मकर राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि एक तो माता का सुख मिलेगा, माता के द्वारा आज आपको धन लाभ हो सकता है और माता के निर्देशन में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं, माता का सहयोग मिलेगा, जगह जमीन घर इसके लिए अच्छा समय चल रहा है। और ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी काम करने निकलें तो बगैर माता जी के आशीर्वाद लिए न निकलें और किसी कार्य की करने की अगर प्लानिंग करते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेके करना आपके लिए हितकर रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, गुरुजन के सलाह के बिना कोई नए कार्य की शुरुआत न करें, जो भी करें गुरुजन की सलाह लेके ही नए कार्य की शुरुआत करें। उपाय क्या करना है, पीपल को क्या करें कि पीपल के वृक्ष के नीचे काले तिल के साथ साथ जल अर्पित करें, पीपल देखते होंगे तो उनको काला तिल जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग सफेद है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, आज आपकी संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, आय से आय के नए साधन मिलेंगे, स्रोत मिलेंगे और माइंस से आज आपको लाभ मिलेगा, माइंस पेट्रोलियम ईंधन इत्यादि का अगर व्यापार करते तो आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है, दूर देश की यात्रा हो सकती है, रियल इस्टेट में कंस्ट्रक्शन में माइंस में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिल सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से भी लाभ मिलेगा, विदेश में नया व्यापार कर सकते हैं उसके लिए सर्वोत्तम समय चल रहा है, सरकारी तंत्र से थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, नुकसान हो सकता है इसकी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। और आज आपको क्या सावधानी बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि तेज गाड़ी न चलावें, ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, गाय को रोटी अपने हाथ से खिलाना आपके लिए अच्छा रहेगा और जरूरतमंद को कंबल गिफ्ट दें अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4 है, शुभ रंग भूरा है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण।
अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपके संतान का मनोबल अपने बढ़ावे, संतानें अच्छा करेंगी, उनको इमोशनल मेंटल मॉरल सपोर्ट करना अच्छा रहेगा। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना है, और बच्चों के प्रति थोड़ा सा सीरियस रहना, बच्चों के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे, तो उनके बारे में देखना समझना आवश्यक है। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी क्या बरतनी है, माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना फिर अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है, विष्णु जी की आराधना करें और चने का दाल मंदिर में दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 है, शुभ रंग पीला है, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण। आज मैंने आपको बताया कि कुंडली में 12 घरों में बुध का क्या महत्व होता है, और बुध केंद्र किस राशि पर स्वगृह का होता है, किस राशि पर उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, और कैसे जीवन को इफेक्ट डालता है जीवन पर, और 12 घरों में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बताया। और अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते हम आपको बता दें कि कल कौन सी दिन है, कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, ताकि आपको बताते हैं। कल है 20 दिसंबर 2018, दिन है गुरुवार, तिथि है त्रयोदशी, नक्षत्र है कृतिका, शुक्ल पक्ष है, चंद्रमा रहेगा मेष राशि में। शुभ समय 11:57 AM से लेके 12:39 अपराह्न काल तक रहेगा। राहु काल है 1:35 से लेके 2:53 सायंकाल तक रहेगा। दक्षिण दिशा का दिशाशूल है, यात्रा करने से परहेज करें। हरे कृष्ण।